हेलो फ्रेंड्स, टेक्सटबुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल और अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों की तरफ लाती रहूँ। तो चलो आ जाओ, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन DSSSB TGT के अंदर हुए है एज पर RTI। तो RTI के अकॉर्डिंग DSSSB TGT एग्जाम के अंदर कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपकी हुई, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है और कितना कॉम्पिटिशन आप लोगों को इस बार देखने को मिल सकता है। तो आ जाओ हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर मैं TGT मैथ्स के बारे में बात करूँ तो आपका पोस्ट कोड 80324 है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 44,508 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, ठीक है। OBC के अंदर 5,153 स्टूडेंट्स ने, SC कैटेगरी के अंदर 9,913 और ST कैटेगरी के अंदर 2,984 और EWS के अंदर 4,202, यानी कि टोटल आपका बनता है 66,760, यानी कि TGT मैथ्स के अंदर इस बारी 66,760 स्टूडेंट्स कंपटीशन करने वाले हैं। तो कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कस दो क्योंकि जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए, आ गए इलेक्शंस, हो गए खत्म, 4 जून आने वाली है, उसके बाद आप लोगों को अपने एग्जाम की डेट जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से अपनी तैयारी को जोरदार कर दो। अगर मैं इंग्लिश के अंदर बात करूँ तो पोस्ट कोड आपका 80424 है। इसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी में 19,428 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। मैथ्स की कंपैरेटिवली इंग्लिश के अंदर कम स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, ठीक है। OBC कैटेगरी में 3,835, SC कैटेगरी में 5,015 और ST कैटेगरी में 1,371, EWS में 1,000, ठीक है, 136। तो टोटल कुल लगभग 30,785 स्टूडेंट्स ने TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है DSSSB में। अगर मैं सोशल की बात करूं, ठीक है, सोशल साइंसेस की बात करूं तो 80524 इसका पोस्ट कोड है। 35,695 स्टूडेंट्स ने अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया है। OBC से 8,757, SC कैटेगरी से 13,839, यहाँ पे SC कैटेगरी से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है आपके सोशल साइंस के अंदर। ST कैटेगरी से 3,696, EW से 2,350, यानी कि टोटल 64,337। हाई कॉम्पिटिशन SST सोशल साइंसेज के लिए भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते चलो कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हो और उस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स आपके साथ कंपटीशन के अंदर बैठने वाले हैं, तैयारी उसी हिसाब से जोरदार तरीके से करना। साइंस की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट कोड 80624 है। 36,000, ठीक है, एंड 11 स्टूडेंट्स ने अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरा है, ठीक है। तो सोशल साइंस के मुकाबले में UR कैटेगरी के अंदर थोड़ी सी एप्लीकेशन ज़्यादा है। अगर OBC की बात करूँ तो 4,431 स्टूडेंट्स ने, SC कैटेगरी में 8,109 स्टूडेंट्स ने और आपके ST कैटेगरी में 2,188 स्टूडेंट्स ने और 3,000 बच्चों ने EWS के अंदर फॉर्म भरा, यानी कि टोटल एप्लीकेशन 53,339। तो जो जो स्टूडेंट्स साइंस के लिए DSSSB TGT को दे रहे हैं उन्हें 53,339 स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करना होगा। और साइंस की आप बिल्कुल टेंशन मत लो, 6 PM के ऊपर मेरा सेशन होता है TGT PGT चैनल पर, आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो साइंस की क्लासेस के लिए, ठीक है। चलो भाई हिंदी की बात करते हैं, ठीक है। क्लासेस के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर सब कुछ बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो 6 PM यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़रूर मेरे साथ लाइव जुड़ें। मैं हिंदी की बात करूँ तो पोस्ट कोड 80724 है। 14,132 स्टूडेंट्स ने अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरा है। 3,713 स्टूडेंट्स ने OBC कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरा है। 6,689 स्टूडेंट्स ने SC कैटेगरी में, 2,209 स्टूडेंट्स ने ST में, 860 स्टूडेंट्स ने EWS में, मतलब टोटल 27,603 स्टूडेंट्स ने हिंदी के अंदर एप्लीकेशंस DSSSB को दी है। तो हिंदी में भी कंपटीशन अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों संस्कृत पोस्ट कोड 80824, 7,020 स्टूडेंट्स ने अनरिजर्व कैटेगरी में, 738 स्टूडेंट्स ने OBC में, SC के अंदर 2,046 बच्चों ने फॉर्म भरा है और ST के अंदर 729 और EWS के अंदर 372, यानी कि टोटल 10,905, ठीक है, लोगों के साथ आप लोगों को कंपटीशन करना है अगर DSSSB संस्कृत को क्वालिफाई करना चाहते हो। उर्दू के अंदर पोस्ट कोड आपका 80924 है।
मतलब आपको 1471 स्टूडेंट्स ने अनरिजर्व कैटेगरी, 436 स्टूडेंट्स ने ओबीसी, 103 बच्चों ने एससी भरा है, 69 बच्चों ने एसटी के अंदर और 49 बच्चों ने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरा है, यानी कि 2128 आपकी टोटल एप्लीकेशन उर्दू के अंदर देखने को मिलेगी। मैं पंजाबी की बात करूं तो आपका पोस्ट कोड जो है 81024 है, 870 बच्चों ने अनरिजर्व कैटेगरी में, 81 स्टूडेंट्स ने ओबीसी में, 695 एससी में, 9 बच्चों ने एसटी में, ईडब्ल्यूएस में 20 और 1675 टोटल एप्लीकेशंस हमें देखने को मिले हैं पंजाबी में। और दोस्तों ड्राइंग के अंदर ठीक है आपका पोस्ट कोड जो है 81124 है, 5411 स्टूडेंट्स ने ठीक है आपका फॉर्म भरा अनरिजर्व कैटेगरी में, 2210 स्टूडेंट्स ने ओबीसी के अंदर, 2433 स्टूडेंट्स ने एससी में, 419 स्टूडेंट्स ने एसटी में और 414 स्टूडेंट्स ने ईडब्ल्यूएस में, यानी कि टोटल मेरे दोस्तों 10887। तो ये आप लोगों का डेटा है, आपके जो पोस्ट कोड है उनके अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट्स ने अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस यानी टोटल एप्लीकेशन डी ट्रिपल एस बी टी जी टी को इस बारी कितनी गई है। सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना अपना कंपटीशन यहाँ पे लास्ट में चेक कर लो कि कितने स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों को कंपटीशन लड़ना है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं आपको बोल रही हूँ बहुत ही ढंग से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर लो, कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत हाई है, इलेक्शन के बाद आपको एग्जाम की डेट देखने को मिलेगी और एकदम से पेपर आ जाएगा, रिविजन का समय नहीं मिलेगा। तो अभी से अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कस लो दोस्तों। आप लोग 6 PM पर मेरे साथ साइंस पढ़ने के लिए, जो भी डी ट्रिपल एस बी टी जी टी साइंस है वो 6 PM पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साइंस की तैयारी डी ट्रिपल एस बी टी जी टी की बहुत ही जोरदार तरीके से हम लोग करेंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पेड कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो 7973700450 इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकता है और कोई भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए तो मैं दिलवा सकती हूँ। जिसको कोर्स के अंदर ज्वाइन करना है डिस्काउंटेड प्राइस में वो भी हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया और ज़ोरदार तरीके से कर लो, अच्छे से अपनी तैयारी करो, अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करो। इस बार आपको बस ये लेके चलना है कि मुझे बस इसी बार क्वालिफाई करना है, ये मेरा लास्ट चांस है। जितना आप लटकाते चलोगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को उतना कॉम्पिटिशन टफ होता चलेगा। हो सकता है अगली बार डी ट्रिपल एस बी टी जी टी में जितने स्टूडेंट्स ने अब फॉर्म भरे हैं उससे डबल भर दें, कॉम्पिटिशन का लेवल और बढ़ जाए। तो आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है, जोरदार तरीके से अपनी तैयारी को खींचते हुए चलना और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। थैंक यू सो मच।